नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। किसानों के भारत बंद को लेकर रेलवे भी हुआ सतर्क, 16 राज्यों में मार्ग बाधित होने का डर। 3 कानूनों में से 1 कृषि कानून रद्द करने पर सरकार कर रही है विचार, बीच का रास्ता तलाश रही सरकार। कोरोना वायरस पर राहत की खबर, 27 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 15,000 से कम एक्टिव केस। किसानों के भारत बंद को विपक्षी दलों का समर्थन, सपा भी कर रही है पूरा सपोर्ट। सोनिया गांधी नहीं मनाएंगी अपना जन्मदिन, किसानों के समर्थन के चलते सोनिया ने लिया यह फैसला। सीएम योगी ने दी चेतावनी, भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था हाथ में ली तो होगी कठोर कार्रवाई। आज भारत बंद, वेस्ट यूपी में 183 स्थानों पर चक्का जाम का ऐलान, प्रशासन काफी अलर्ट। यूपी में स्टार्टअप नीति 2020 के तहत 7 नए इंक्यूबेटरों को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगा कानून, यूपी में मकान मालिक बिना एग्रीमेंट के नहीं रख सकेंगे किराएदार। यूपी में जबरदस्ती दुकान बंद करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। आज से शुरू हो रहा है ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण, लोगों को दी जाएगी फाइजर वैक्सीन की खुराक। कोरोना महामारी के चलते अमेरिकी कॉलेजों में 19% प्रवेश हुए कम, शिक्षण प्रणाली को भी तगड़ा नुकसान। पाकिस्तान के इमरान सरकार को बड़ा झटका, देने वाला है विपक्ष, असेंबली से एक साथ इस्तीफे की तैयारी। पीएम मोदी ने की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात, कोरोना वैक्सीन और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। तुर्की के खिलाफ एक्शन की तैयारी में यूरोपीय यूनियन, राष्ट्रपति एर्दोगन बोले हम नहीं झुकेंगे। मैच के दौरान एमएस धोनी को मिस कर रहे थे फैंस, विराट कोहली के रिएक्शन ने किया सभी को प्रभावित। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने जीती T20 सीरीज, नटराजन ने बताया खास और यादगार। चैंपियन एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज का चौंकाने वाला खुलासा, एक किडनी के सहारे पाई सफलता। न्यूजीलैंड के केन विलियम्स भी दिसंबर के अंत में बनने वाले हैं पिता, नेशनल टीम से मांगी है छुट्टी। वीरेंद्र सहवाग बोले आखिरी T20 में संजू सैमसन की जगह मनीष पांडे को मिले मौका। ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक्ट्रेस दिव्या भटनागर के निधन से अंकिता लोखंडे को लगा गहरा धक्का। राखी सावंत ने राजनीति में एंट्री को बताया बड़ी गलती, कहा मुझे बर्बाद होना था इसलिए पॉलिटिक्स में गई। वरुण धवन के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन भी हुई कोरोना पॉजिटिव। 85 साल के पूरे हुए धर्मेंद्र, कहा मैंने जिंदगी जी भर के जी है और जिंदगी ने मुझे जवान रखा है। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और प्रीति जिंटा ने भी किसानों का किया समर्थन।